हेलो बच्चों, आज हम अध्याय स्थल रूपों का विकास की भाग एक पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थल रूपों के विकास पर, ज्वालामुखी पर तथा ज्वालामुखी के प्रकार पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं स्थल रूपों के विकास से। बच्चों, क्या आपको पता है हम धरती के जिस सतह पे रहते हैं वो गतिशील है, अर्थात वो घूमते रहती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये घूमते रहती है तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता। बच्चों, हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बच्चों, सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि लाखों वर्ष पहले ये जो सारे महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बच्चों, उनको जो महाद्वीप हैं जो एक साथ जुड़े हुए थे उनको जो है पेंजिया कहा जाता था, और जो महासागर थे उनको पैंथालासा कहा जाता था। बच्चों, आप इस ग्लोब को देखिए, जहां पे जो आपको ब्लू कलर में जो भाग दिख रहा है ये महासागर के भाग है, और इनको पैंथालासा, और ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये आपको महाद्वीप के भाग है, तो इनको जो है पेंजिया कहा जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बाद में क्या हुआ कि 36 गति के कारण इनका विखंडन हो गया और वर्तमान में जो महाद्वीप है और महासागर है ये उनका रूप ग्रहण कर लिए। बच्चों, पेंजिया का जो विखंडन है वो अगर हम उत्तरी भाग में करें तो वो अंगारा लैंड के नाम से, और अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो वो गोंडवाना लैंड के नाम से हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को स्थल रूपों के विकास को जारी रखते हैं। बच्चों, अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। वहीं गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत जो है मुख्यतः गोंडवाना लैंड का ही अंग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा स्थल रूपों के विकास को जारी रखते हैं। बच्चों, हमारा स्थल मंडल जो है 6 बड़ी और 20 छोटी गतिशील प्लेटों में विभाजित है। बच्चों, ये प्लेट बहुत ही धीमी गति से, कुछ मिलीमीटर प्रतिवर्ष की गति से ये घूमते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि इन प्लेटों में गति कहां से आती है तो इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंगों के कारण आती है। बच्चों, प्लेट की सीमा क्षेत्र को विवर्तनिकी अर्थात टेक्टोनिक क्षेत्र कहते हैं, और गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पे भूकंप अर्थात अर्थक्वेक और ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो जैसी प्रतिक्रिया होती है। बच्चों, इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत अर्थात माउंटेन, पठार अर्थात प्लेट्यू जैसे अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा स्थल रूपों के विकास को जारी रखते हैं। बच्चों, पृथ्वी के प्लेटों में गति उत्पन्न करने वाले बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्जनित बल और दूसरा जो है वो है वही जनित बल। बच्चों, अंतर्जनित बल जो है ऐसे बल होते हैं
जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, वहीं पे वही जनित बल जो है ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी की गतियां दो भागों में विभक्त की गई हैं, अंतर्जनित बल और वही जनित बल। उसके बाद अंतर्जनित बल को आगे चल के फिर दो भागों में विभाजित किया गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल की बात करें तो इसमें आपके आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। वहीं पे अंतर्जनित बल को जो दूसरे भाग में विभाजित किया गया है वो है पटल विरूपण बल। इसमें पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं। बच्चों, पृथ्वी की गतियों का जो दूसरा विभाजन है वो है बहिर्जनित बल। इसमें आपके अपरदन और निक्षेपण आते हैं, और इनमें क्या क्या क्रियाएं आती हैं? तो वो है नदी और बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी पे। बच्चों, ज्वालामुखी का तात्पर्य है पृथ्वी की सतह पे उपस्थित क्षेत्रीय दरार से, जिससे होके गर्म लावे के गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। बच्चों, इन क्षेत्र का संपर्क भूगर्भ की एक पतली लनी से होता है, जिसे ज्वालामुखी की वेंट कहते हैं। बच्चों, जब यह क्षेत्र अर्थात जब वेंट जो है विस्तृत हो जाता है तो यह क्रेटर कहलाता है। बच्चों, जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार जो है अत्यधिक हो जाता है तब उसे कालडेरा कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार पे। बच्चों, उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो चलिए एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी से। बच्चों, जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। वर्तमान में विश्व के जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। बच्चों, अगर हम बोलें कि इन ज्वालामुखी में सबसे प्रमुख कौन से ज्वालामुखी हैं, तो इटली के एटाना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ये प्रमुख है। बच्चों, स्ट्रॉम्बेरी ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पे स्थित है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकला करती हैं, जिससे आसपास का भाग जो है प्रकाशमान रहता है, और इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा ज्वालामुखी के प्रकार को जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी अर्थात डोरमेंट वोल्केनो की। बच्चों, कुछ ज्वालामुखी जो हैं उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उनमें पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, पर अचानक उनमें विस्फोट हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए इटली का विशुवियस तथा क्राकाटायो इसके प्रमुख उदाहरण है। बच्चों, विशुवियस जो ज्वालामुखी है वो भूगर्भिक इतिहास में कई बार जागृत तथा कई बार शांत हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा ज्वालामुखी के प्रकार को जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे शांत ज्वालामुखी अर्थात इंस्टिंक्ट वोल्केनो पे। बच्चों,
शांत ज्वालामुखी का उद्गार पुण्यतः समाप्त हो जाता है तथा उनके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है, तो पुनः उनके उद्गार की संभावना नहीं रहती। बच्चों, भूगणिक इतिहास के अनुसार उनमें बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ होता है और ऐसे ही ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे सटीक उदाहरण अफ्रीका का किलिमंजारो है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने स्थल रूपों के विकास पर चर्चा की, उसके अलावा ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी के प्रकार पे भी चर्चा की और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूकंप पे, भूकंप की उत्पत्ति पे, भूकंप तरंगे पे और भूकंप से बचाव पे। तब तक के लिए धन्यवाद।